थर्ड से लेकर ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जून ये मोरलेस एटी फाइव प्लस परसेंटेज ऑफ कंट्री कवर हो जाएगा देखिए बाला हिस्सा के वजह से स्पेशली कोंकण साउथ ऑफ मध्य महाराष्ट्र यहाँ पे मानसून अगला पाँच सात दस दिन करीब आपका प्री मानसून शावर प्रदेश में यस yes, ऑब्वियसली केरल में तो मानसून दाखिल हो गया इट इज ऑन एट जून दैट इज फर्स्ट जून इज नॉर्मल डेट तो फर्स्ट जून के जगह हमारा प्रडिक्शन था फोर्थ ऑफ जून विथ मॉडल एरर प्लस माइनस फोर डेज तो एट जून दाखिल हुआ अभी ये जो देख रहे हैं ये आपका सेटेलाइट उपग्रह चित्र विजिबल इमेज तो आरब सागर के ऊपर एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉम विपर्जय बना हुआ है एवं एक कमदाउक क्षेत्र बन गया बंगाल के खाड़ी में तो अभी आ, प्रोग्रेस ऑफ जो अरेबियन सी वाला जो मानसूनी कारंट एवं बंगाल के खाड़ी वाला जो मानसूनी कारंट ये बहुत ही स्लो स्लो आगे बढ़ रहा है तो आ, जो देखा जा रहा है प्रोग्रेस आगामी दिनों में चलेगा एवं जो एक्सटेंडेड रेंज पूर्वानुमान बता रहा है ट्वेंटी थर्ड से लेकर ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जून ये मोरलेस एटी फाइव प्लस कवर हो जाएगा महाराष्ट्र में, में देखिए डायनामिक सिस्टम प्रोग्रेस ऑफ़ अरब सागर वाला हिस्सा एवं बंगाल के खाड़ी वाला हिस्सा ये कैसे पिकअप लेगा आगामी दो चार दिन में उसका पता चलेगा अभी हाँ हाँ जो देखा जा रहा है अरब सागर वाला हिस्सा के वजह से स्पेशली कोंकण साउथ ऑफ मध्य महाराष्ट्र यहाँ पे मानसून पहुंच जाएगा बट उधर विदर्भ नॉर्थ ऑफ मध्य महाराष्ट्र नॉर्थ भारतवाड़ा ये सब जगह मानसून कारण पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा समय लगेगा एंड अभी जैसे केरल में ऑलरेडी सेवन डेज डिले है सामान्य के मुताबिक और एट डेज डिले मान सकते हैं तो यहाँ पे भी जो सामान्य डेट गोवा पहुँचने का है फिफ्थ जून एंड सिंधुदुर्ग रत्नगिरी यानी कि एक्सट्रीम साउथ ऑफ महाराष्ट्र पहुँचने का डेट है सामान्य डेट सिक्स सेवन जून mm. तो ऑलरेडी आ जाए नाइन्थ mm. जून एवं एक्सपेक्टेड गोवा चौदह के चौदह के आसपास ही पहुंचने का संभावना है मानसून कारण एवं mm. एक्सट्रीम साउथ ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पे भी आ, और अनदर टू डेज में टेक टाइम बट जैसे बताया इट इज़ ए डायनामिक सिस्टम अभी तक अरब सागर वाला हिस्सा एवं बंगाल के खाड़ी वाला हिस्सा दोनों का ही प्रोग्रेस स्लो एवं बंगाल के खाड़ी वाला हिस्सा के सहारे एक्सपेक्टेड नॉर्थ ईस्ट स्टेट अगला 48 एट आवर्स में कवर हो जाएगा और इधर मेन लैंड में सदान पेनसुला होते हुए मानसून कैसे आगे बढ़ेगा और इधर मेन लैंड में सदान पेनसुला होते हुए मानसून कैसे आगे बढ़ेगा ये डिपेंड करेगा अरब सागर वाला हिस्सा कैसे स्ट्रेंथ तेज पकड़ रहा है ये इस साल महाराष्ट्र में कैसा मानसून देखिए अभी तक जो कंट्री के लिए मानसून का पूर्वानुमान है दैट इज़ इट बी नॉर्मल 96 सिक्स परसेंट ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज अभी जो एरिया वाइज देखा गया नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री यहाँ पे थोड़ा बिलो नॉर्मल जाने का संभावना है जून रेनफॉल्स सोचेंगे हमारे प्रदेश के लिए ये शायद डेफिशेंट हो सकता है बट आफ्टर आफ्टरवर्ड्स आप्तर, जुलाई अगस्त ये पिकअप कर लेगा गए साल से पिछला साल था उस साल से कम बारिश गिरेगी या ज्यादा होगी देखिए ये बारे में इतना जल्दी आईडिया देना मेरे मुश्किल है मगर तो जो अभी किसान खेती में कुछ अभी जो पेड़ नहीं रही थी वो करते हैं तो उनको क्या सलाह रहेगी उनके लिए सलाह रहेगा कीप योर लैंड रेडी लैंड तैयार रखिएगा एवं जैसे ही बारिश शुरू हो जाएगा अभी अगला 5 7 10 दिन करीब आपका प्री मानसून शावर प्रदेश में मिलेगा आफ्टरनून टाइम जो मेघा गर्जना कड़कड़ाहट हा, सहित तुरक ठिकानी से कई कई ठिकानी ये पावसाची की शक्यता है एवं मोस्टली हल्का ते मध्यम प्रकृति पाउस आ, हो होगा विथ मेघागर्जना कड़कड़ाहट सहित ये चलेगा इसके साथ साथ किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगा कि आपका जमीन तैयार रखिए जैसे जैसे बताया कि आ, ए, आपका ऑनसेट होगा मानसून ऑनसेट होते ही आप ऐप पैरनी शुरू कीजिएगा